हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी यार, दो दिन से मैं टायर्ड थी और पता नहीं, बट आज मैं जो ब्लॉग लेके आई हूँ वो मेरी साड़ियों का कलेक्शंस हैं। काफ़ी साड़ियाँ मम्मा के पास हैं और कुछ साड़ियाँ मेरे पास हैं, और आज मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरा गमले वाला आ गया है। जो मुझे मिल नहीं रही है वो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करी थी, और बहुत अच्छी साड़ी थी यार, पता नहीं अब ढूंढूंगी मैं। सो मैं आपको अपनी पहली साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी तो सारी पहली ही है। तो ये साड़ी जो इसे क्या कहते हैं, शायद टाइगर प्रिंट ऐसे कुछ बोलते हैं, बट ये साड़ी बहुत ज़्यादा यू नो फिटलेस है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन गर्ल्स लुक के लिए ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैंने इसको एक बार ही पहना है, इसके अलावा नहीं पहन पाई। तो ये साड़ी मैंने किसी साड़ी की शॉप से नहीं ली, मैंने ऐसे ही मार्केट से जाके जो कपड़े थान टाइप होते हैं तो मैंने वो कपड़े ले लिए थे। कपड़े में से बोलो ना, इरिटेट मत करो। तो मैंने वो थान में से, ये 6 मीटर की साड़ी होती है ना, सॉरी मुझे भी नहीं पता, बट ये मैंने थान से कटवाया था तो इसको मैंने साड़ी बना लिया था, बना ली थी। मेरी हिंदी की टीचर, मेरी सास और एक मेरा पति। सो मैंने ये जो साड़ी है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट अब मैरिड हूँ तो मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि वरुण को पसंद नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर इवेंट्स वगैरह होंगे तो मैं ज़रूर पहन के जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, वेटलेस है और कंफर्टेबल लगती है। एंड सेकंड जो मेरी साड़ी है, ये मेरी साड़ी मैंने इससे रख ली। ओह माय गॉड, मिल गई मेरी साड़ी, जो वरुण मेरी साड़ी मिल गई। फाइनली मेरी साड़ी मिल गई मुझे। ये दो साड़ियाँ हैं शो, ये साड़ी मेरी मम्मा की है, और जो मेरी मम्मा की साड़ी होती है ना उनको ड्रैगलिंग करवा के रखना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मा साड़ियों की बहुत केयर करती है। तो ये मेरी मम्मा की साड़ी है, आई डोंट नो कितने टाइम पुरानी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने अभी तक रखी हुई है, और आने वाले टाइम में आगे भी जितनी मेरी मम्मा की साड़ियाँ वो मेरी है, क्योंकि मैं आज भी अपनी मम्मा से झगड़ा करती हूँ, ये साड़ी है ना ये मैं लूँगी। और मेरी मम्मा मुझसे झगड़ा करती है कि तू साड़ियाँ अपने पास ही रखेगी, मैं रखूँगी। मेरी मम्मा की जितनी साड़ियाँ होंगी ना वो ड्रैगिंग करवा के, चरक करवा के सब उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, और अच्छी बात है। कहते हैं कि आप अपने कपड़ों की कदर करोगे तो कपड़ा आपकी कदर करेगा। सो ये साड़ी है जो मेरी मम्मा की है और जो मैंने हड़प ली है। एंड सेकंड साड़ी ये वाली, ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट करी थी, ये मैंने मालवी नगर मार्केट से ली थी, और ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये भी बहुत हल्की है, मैं भारी साड़ियाँ नहीं लेती हूँ और काफ़ी लोगों से कैरी नहीं होता, बट मुझे साड़ी पहनने का शौक़ 10 साल की उम्र से था। मैं अपनी मम्मा को देखती थी, मेरी मम्मा साड़ी पहन के ऑफिस जाती थी, अब नहीं पहनती हैं, बट मैं अपनी मम्मा को देख देख के ही साड़ी पहनना सीखी हूँ। मैंने कोई यू नो कोई क्लास वगैरह नहीं लिया, मैंने किसी से सीखा नहीं, बट मेरी मम्मा को देखती थी कि वो कैसी साड़ियाँ पहन रही है, किस वे में पहन रही है, प्लेट सेट करना, और वो सब चीज़ें मैं अपनी मम्मा को देख देख के, और आज मैं खुद फटाफट साड़ी पहन लेती हूँ, और मुझे उस टाइम इतनी खुशी होती है कि यार साड़ी पहन रही हूँ मैं और ये ज्वेलरी। बट मेरी मम्मा को पसंद नहीं है कि मैं साड़ियाँ पहनूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि क्यों साड़ियाँ पहननी है, लोग देखते हैं वो। मैं कहा मम्मा, जो मतलब जो सुंदरता, जो मतलब एक फिगर लड़कियों की जो साड़ी में निकल के आती है ना, वो आई डोंट थिंक सो किसी और में आती है। और ये साड़ी फाइनली मुझे मिल गया, थैंक यू। तो मुझे टेंशन हो रही थी यार मेरी साड़ी कहाँ चली गई, सो फाइनली मिल चुकी है साड़ी। ये साड़ी भी जब मैं सिंगल थी तो ये मैंने साड़ी ली थी, आई डोंट नो थिंक कॉलेज।
तो ये वाली साड़ी मैं जब कुंवारी थी तो मैंने ये ली थी चांदनी चौक से, और स्टिल अभी भी देखो वैसी की वैसी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ले ली, बट मैंने इसको पहना नहीं है। पहना भी होगा शायद, एक बार पहना होगा, वो भी मुझे याद भी नहीं है, बट काफ़ी पुरानी है, कम से कम उसको हो गए 8-9 साल से भी ऊपर हो गया है। तो ये एक साड़ी है मेरी और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक, अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखाया है, बट इसको अगर आप खोलोगे इसका पूरा प्रिंट ब्लू, और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है। ये वाली साड़ी भी मैंने कहीं से किसी शॉप से ली नहीं है, ये मैंने खुद बनवाई है। एक्चुअली यही मैं मार्केट में गई थी, सुल्तानपुरी मार्केट, आई डोंट नो कौन सी मार्केट है, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ से भी मैंने पूरा थान से खींच लिया था कपड़ा कि मुझे इसकी साड़ी बनवानी है। तो ये थान से लिया हुआ कपड़ा है और बेबी पिंक कलर है, और इतना क्यूट लगता है ये। जब ये साड़ी बनी थी मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी और ये पहनूंगी सर वो पहनूंगी, बट फर्स्ट टाइम ये साड़ी मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे मांग ली और कह दी कि मुझे ये साड़ी चाहिए, मैं पहनूंगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम मैंने पहनी थी, और ये बेबी पिंक कलर है, बहुत प्यारा है, बहुत हल्की है, नेट है एक्चुअली में, और इसमें धागे का काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारी साड़ी है। सो उनमें से एक कलेक्शन मेरी ये है, और ये वाली साड़ी मैंने हाल फिलहाल ली थी, मेरी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फ़ोटोज़ भी होंगी। सो ये साड़ी वरुण ने दिलाई थी मुझे, ऐसी शॉपिंग करने गए थे चांदनी चौक, सो मैंने ले ली, मुझे पसंद आया। ये भी बहुत हल्की है और इसका रेट भी बहुत कम है, आई थिंक 500-600 की साड़ी है, बट मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था, और येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो ये साड़ी भी मेरी फेवरेट है। हाँ, और ये साड़ी ये मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, बहुत प्यारी साड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी इसका जो प्रिंट ही है, मेरी मम्मा ने मुझे साड़ी दिखाई और मैंने खींच ली, तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि मुझे पता था कि तुझे ये साड़ी पसंद आएगी। तो ये साड़ी जो है ये मेरी मम्मा की है, और मुझे ये भी बहुत पसंद है, ये उनमें से एक साड़ी मेरी। ये साड़ी है मेरी, सॉरी गाइस, कि मेरी कुछ साड़ियाँ ऐसी निकलेंगी जो मैंने आयन नहीं करा रखी ना कुछ, तो मेरी मम्मा को मैं अपनी साड़ियाँ दिखाती नहीं हूँ कुछ, क्योंकि मेरी मम्मा कहेगी देखा साड़ियों की कदर कर रही है। तो ये साड़ी मैंने ये थोड़ा इवेंट्स वगैरह में पहनती हूँ, थोड़ा क्लासी लुक सा आता है, तो ये साड़ी मैंने ली थी जयपुर में। जब मैं अपने कज़न के साथ गई थी तो उसको मैंने पागल कर दिया था, 1-2 घंटे उसको मैंने मार्केट में जो घुमाया वो पागल हो गया था, और फिर फाइनली जाके मैंने ये साड़ी ली। ये भी साड़ी मैंने चांदनी चौक से ली थी, इसका ये ऑल ओवर पूरी साड़ी ऐसी है, और ये भी मैंने साड़ी ऐसे ही चलते फिरते चांदनी चौक से ले ली, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने 1-2 इवेंट्स में पहना हुआ है, क्योंकि फॉर्मल टाइप में भी अच्छा लगता है मीटिंग्स वगैरह में। तो ये साड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको सिल्क की लग रही होगी, बट ये सिल्क की साड़ी नहीं, ओरिजिनल सिल्क की साड़ी नहीं है, बट मुझे पहनना था, और मेरे ब्रदर की शादी थी, और वो मेरे बहुत क्लोज़ है, लाइक बेस्ट फ्रेंड बचपन से, बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे उसकी शादी में तो धमाल मचाना था। तो मैंने ये साड़ी ली थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस था, ज़्यादा महंगी ली थी। एक्चुअली पता है क्या है, दुकानों में जाओगे ना तो प्राइस वो बोलते हैं 5,000 की साड़ी है, 3,000 की साड़ी है, 10,000 की साड़ी है, बस प्राइस आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो जो मर्जी बोलते रहे आपको इतना मत ध्यान दो। तो ये साड़ी भी हल्की है
और उस टाइम बहुत अच्छी लगी थी। आज तो ये साड़ी उनमें से एक है और ये आज भी बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ मतलब कहीं से फटी फूटी नहीं है। इसको भी मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाया, मैं अपनी मम्मा से बचा के रखती हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरी मम्मा मेरा ये साड़ी अभी मैंने हाल फिलहाल लाजपत नगर मार्केट से ली थी। ठीक थी, अच्छी थी, मुझे कलर पसंद आया और यू नो पति के साथ गए कुछ तो शॉपिंग करनी है, चाहे वो आपको पसंद हल्की फुल्की आए, तो उनमें से भी ये साड़ी मेरा पति मुझे दिखता हो तो ये साड़ी भी उनमें से ही है और मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा था। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, ये इसका कलर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिल जाए ना तो प्लीज़ ले लो यार, घर जाके दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये भी साड़ी मैंने हाल फिलहाल ली थी और ये साड़ी, ये मेरी थोड़ी हैवी साड़ी है, ये शादी के टाइम पे वरुण ने दी थी मतलब। तो एक्चुअली मैं साड़ी जब अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने गई तो मुझे कुछ साड़ियाँ दिमाग में चल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मम्मा मुझे दिलाने वाली नहीं है और उन्होंने 100 चीज़ें बोली ये अच्छा नहीं है, ये कलर ऐसा है, ये कपड़ा ऐसा है, तो मैंने वो चीज़ें दिमाग में रख ली साड़ी। और जब मैं वरुण के साथ गई तो मैंने ये साड़ियाँ खरीदी। तो इस साड़ी का भी यही है यार, इसके जो आप काम वर्क देखो बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी शादी में इतनी साड़ियाँ नहीं ली क्योंकि यार फैशन चेंज होता रहता है और यू नो जब आप फैशन चेंज होता है ना तो आपकी जो पुरानी साड़ियाँ पड़ी रहती है, क्योंकि आप शादी में जाओगे यार इसने ये पहनी है मैंने पुरानी वाली पहनी है, बट पुरानी साड़ी में मज़ा आता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मम्मा की जो पुरानी साड़ियाँ हैं ना मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ठीक है, ज़्यादा साड़ियाँ मत लो। ये साड़ी भी मैं मेरे वरुण ने दिलाई थी मुझे और ये साड़ी मुझे बहुत 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 हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी एक्चुअली सॉरी आयन नहीं है, बट ये साड़ी मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने बुटीक पे डिज़ाइन करी थी। मैंने ये साड़ी काजोल को देखा था, ऐसी गूगल पे सर्च कर रही थी साड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिंपल की सिंपल और टू कलर मिक्स थे, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो उसने बनाई थी मेरे लिए, तो थैंक यू उसने मेरे लिए इतनी अच्छी साड़ी बनाई। तो ये साड़ी भी काफ़ी टाइम पुराना, कम से कम 5-6 साल हो गए इस साड़ी को, तो आज भी अगर मैं इसे आयन कर लूँ, और बहुत पार्टी वेयर है, मतलब अगर आप किसी यू नो जहाँ पे फैमिली की शादी ना हो और सेक्सी सा ब्लाउज़ हो और ये साड़ी हो तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। ये साड़ी मैंने ऐसी ही ले ली थी जयपुर से, एक और साड़ी है, आई डोंट नो उसको कौन सा कपड़ा कहते हैं, कौन सा कपड़ा कहते हैं वरुण साड़ी का, शिफॉन की साड़ियाँ, तो वो जो शिफॉन की साड़ियाँ हैं वो मेरी मम्मा के पास है, वो मुझे नहीं दी क्योंकि उनको पता है कि ये ड्राई क्लीन नहीं करवाएगी, चरक नहीं करवाएगी। तो एक साड़ी मैंने अपने पास रखी, मुझे जयपुर जाती हूँ तो मैं साड़ी ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता, तो जयपुर जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोल रहा था कि 50,000 तो मेरी शॉपिंग में रखो। और ये साड़ी ये भी मेरी मम्मा की है, बहुत सिंपल है और इवेंट्स वगैरह में पहनती हूँ मैं कभी कभार, बहुत अच्छी लगती है सिंपल से ऊपर, कभी कभार ज़्यादा भी चटक मटक गर्मी लगती खुद को। ये साड़ी मैंने ऐसी ले ली थी, सिंपल थी, हल्की थी, तो मुझे अच्छा लगी तो मैंने ये साड़ी ले ली और अभी भी है, कुछ ख़राब नहीं हुआ, अच्छा है। मैंने ये साड़ी में भी शायद 400 तक की ली थी, तो अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी तुक्के में एक चीज़ अच्छी निकल आती है, तो सिर्फ यही है एक हाल है मेरा कि मेरी तुक्के में चीज़ें अच्छी निकल आई, तो ये साड़ी मेरी अभी भी अच्छी है। तो ये थी मेरी आई डोंट नो कितनी साड़ियाँ हो गई हैं, मैंने गिनी नहीं है, तो ये मेरी साड़ियों की कलेक्शन थी। अभी कुछ साड़ियाँ मेरी मम्मा के अलमीरा में है, ट्रंक में है, कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता। एक्चुअली हमारे हिंदुस्तानी फैमिली है और हमारे यहाँ पे हर फंक्शन में साड़ियाँ पहनते हैं, मेरी बुआ चाची दादियाँ सब साड़ियाँ पहनते हैं, तो
साड़ियाँ तो बहुत हैं, कलेक्शंस बहुत हैं जो मेरी मम्मा के पास. सो ये थी मेरी साड़ियों की कलेक्शंस. अभी यार काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे बैग्स हैं, उनकी भी कलेक्शन मैं दिखाऊंगी आपको ब्लॉग्स में. तो ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जिनको मैंने आपको दिखा दिया आज. तो प्लीज़ गाइज, आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.